नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं रोशनी टीवी। रोशनी टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज करते हदीस मुबारक से। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम्हें मालूम है कि गीबत क्या है? लोगों ने कहा, अल्लाह और उसके रसूल ज्यादा वाकिफ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गीबत ये है कि तू अपने भाई का जिक्र ऐसे तरीके से करे कि जिसे वो नापसंद करता है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि अगर वो बात जो कही जा रही है मेरे भाई के अंदर पाई जाती है, क्या जब भी वो गीबत होगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर वो बात जो तू कहता है उसके अंदर मौजूद है तो यही गीबत है, और अगर उसके मुतालिक वो बात कही जो उसके अंदर नहीं है तो तूने उस पर बहुतान लगाया। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। आने वाले इंतखाबात में टीआरएस हुकूमत झंडा लहराएगी, अरबा ने मिले बीगाला गणेश गुप्ता। चीफ मिनिस्टर गरीबों की मदद करने का जज्बा रखते हैं टीआरएस के मेले उम्मीदवार वेमुला प्रशांत रेड्डी। चीफ मिनिस्टर केसीआर पेश की स्कीम पर रागिब होकर टीआरएस पार्टी में भारी तादाद में शरीक हो रहे हैं रूरल के साबिक एमएलए बाजी रेड्डी गोवर्धन। आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी इख्तदार पर आने पर तमाम तबकात को तरक्की देंगे एआईसीसी के सदर राहुल गांधी। अब बढ़ते खबरों की तफसील की तरफ। आने वाले इंतखाबात में टीआरएस हुकूमत झंडा लहराएगी, अरबन एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता। शहर में मारुति नगर में वाकई इंदूर अपार्टमेंट और वैष्णवी अपार्टमेंट में अरबन एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता ने इंतखाबी प्रचार किए। इसी सिलसिले में बताया कि चीफ मिनिस्टर केसीआर जईफों और घर की लड़कियों को कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम पेश करके उनको भाई के तौर पर खरीब हुए हैं। अपार्टमेंट के अवाम ने अरबन एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता को तहनियत पेश की। चीफ मिनिस्टर केसीआर गरीबों की मदद करने का जज्बा रखते हैं टीआरएस के मिले उम्मीदवार वेमुला प्रशांत रेड्डी। आरआर नगर के अवाम का 40 साल देरन ख्वाब मुकम्मल किए। चीफ मिनिस्टर केसीआर को हमारी तरफ से शुक्रिया अदा कर रहे हैं। आरआर नगर नए ग्राम पंचायत कायम होने के अलावा आज आदिवासी के जद्दोजहद को मोरम भीम के पुतले को नस्ब किए हैं। आप हमारे खानदानों पर मोहब्बत बताते हुए हमारे वालिद वेमुला सुरेंद्र रेड्डी के पुतले को कायम करके आज आपके गांव के अवाम हाथों पर इफ्तिताह करके इस प्रोग्राम में मुझे मदु करना मेरी खुशकिस्मती समझता हूं। प्रशांत रेड्डी ने बताया, వాళ్ళందరికీ పెన్షన్లు వస్తాయి, ఇంకా ఎవరికైనా రాని వాళ్ళంటే కూడా లిస్ట్ రాసుకుంటాం, రాసుకొని బరబ్బరి అందరికి ఇప్పించే ఏర్పాటు చేస్తాం. 1000 రూపాయలు ఏవైతే వస్తున్నాయో వచ్చేసరికి కేసీఆర్ మళ్ళీ ముఖ్యమంత్రి కాగానే మళ్ళీ మన టీఆర్ఎస్ పార్టీ గెలంగానే అది 2016 రూపాయలు అయిపోతున్నాయి. ఇసీ తరహా गांव के अफवाह एक साथ सामने आकर फैसला करके मेरी ताइद में मुस्तफिद फैसला करने पर कदम बोसी कर रहा हूं। आपकी दुआओं से मुझ पर आशीर्वाद दिए और आप जो मसाइल मेरे इल्म में लाएंगे एक एक करके स्वीकार करूंगा। आपके ग्राम पंचायत कायम करने में आबाद कम है, फिल वक्त मौजूद उपलोर से दूरी ज्यादा रहने से केसीआर खुसूसी दिलचस्पी लेकर आरआर नगर को नए ग्राम पंचायत
قائم کیے ہیں. نئے قائم ہوئے گرام پنچایت میں ہو رہے گرام پنچایت انتخابات میں سب ایک ہو کر مستفید فیصلہ کر کے سیاست میں نہیں جا کر گرام پنچایت کی ترقی کے لیے کمر بستہ ہونے کی اپیل کیے. کے سی آر غریبوں کی بھلائی کرنے کی جستجو میں رہتے ہیں, اسی لیے ضعیفوں بیواہوں معذورین کے وظیفے جات میں اضافہ کیے. మీ అందరు కూడా మీ ఇంట్లో ఒక తమ్ముడుగా ఒక అన్నగా అన్ని కష్ట సుఖాల్లో పాలు పంచుకునేందుకు నేను సిద్ధంగా ఉంటా. ఆర్ఆర్ నగర్ కాలనీ వాసులు డైరెక్ట్గా నా పిఏ నంబర్ తీసుకొని ఏ సమస్య ఉన్నా నా పిఏకి మీరు ఫోన్ చేయొచ్చు. నాకు వేల్పూర్ ఎంతలో ఈ రోజు నుంచి ఆర్ఆర్ నగర్ కూడా అంతే చిన్న గ్రామమైన సరే అని చెప్పి ఈ సందర్భంగా మీ అందరికి తెలియజేసుకుంటూ ఇసి తరహా కిసానుకు రైతు బంధు రహ్ము فی ایکڑ 4,000 سے 5,000 تک اضافہ کیے ہیں. اسی طرح رائتو بیمہ سہولت, کسی بھی طرح کی موت ہو انشورنس دلانے کا سہرا کے سی آر ٹی آر ایس پارٹی کے سر جاتا ہے. کئی پروگرام پیش کرنے پر یہاں وہاں غلطیاں ہونے پر اس کو ٹھیک کر کے غریبوں کو فائدہ کرانے کی کوششیں کر رہے ہیں. دوسری بار اتنا اچھا فیصلہ کرنے سے میں زندگی بھر تمہارا مخلص رہوں گا. صحیح بات ہے, آج پورے تلنگانہ میں آج سب غریب, مطلب مسلمان ہی نہیں بول رہا ہوں, سب غریب کے گھروں میں یہی چرچا ہو رہی, یہی ڈسکشن ہو رہی کہ غریب کے ساتھ کے سی آر ہے. غریب کے بچے پیدا ہوتے سے لے کے بڑھاپن میں انتقال تک کیا کیا کام کرنا ہے غریب کے لیے, پورے کام کرتے جا رہا ہے. چیف منسٹر کے سی آر پیش کے اسکیمات پر راغب ہو کر ٹی آر ایس پارٹی میں بھاری تعداد میں شریک ہو رہے ہیں. رورل کے سابق ایم ایل اے باجی ریڈی گووردھن, شہر میں ونائک نگر میں واقع رورل کے سابق ایم ایل اے باجی ریڈی کے مکان میں ان کی موجودگی میں حلقہ اسمبلی کے نوجوان اور خواتین نے ٹی آر ایس پارٹی میں شریک ہو گئے. پارٹی میں شریک ہونے والوں کو ٹی آر ایس کھنڈوا ڈال کر پارٹی میں شریک کر لیے. اسی سلسلے میں سابق ایم ایل اے باج ریڈی گووردھن نے بتایا کہ کے سی آر کی حکومت میں تمام طبقات کے ساتھ انصاف ہو رہا ہے, اسی لیے پھر کے سی آر کو دوسری بار چیف منسٹر بنانے کے لیے عوام سامنے آ رہے ہیں. آنے والے انتخابات میں ٹی آر ایس پارٹی کا جھنڈا لہرانا یقینی ہے, اس کا ایقان ظاہر کیے. سودرنی گنیش گارو, تروات جلہ ادھیکش شنکر گارو, రజక సంఘ మండలం చెందినటువంటి అధ్యక్షులు, వాళ్ళ కమిటీ సభ్యులు, మరి అందరూ కూడా 7 మండలాలు చెందినటువంటి రజక సోదరులందరూ కూడా మరి వచ్చి నాకు వారి యొక్క పూర్తి సహకారం అందిస్తామని చెప్పి మాకు తెలియడం మరి సంతోషంగా ఉంది. అదేవిధంగా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు కులవృత్తులను ప్రోత్సహించే దిశగా వారు చేస్తున్న ప్రయత్నాలకు సంపూర్ణంగా మద్దతు ఉంటుందని చెప్పి వారు వచ్చి టిఆర్ఎస్ పార్టీకి సంపూర్ణంగా మద్దతు ఇస్తామని చెప్పడం చాలా సంతోషమని మాకు. آنے والے دنوں میں کانگریس پارٹی اقتدار پر آنے پر تمام طبقات کو ترقی دیں گے اے آئی سی سی کے صدر راہل گاندھی. کامریڈی ضلع مستقر میں کانگریس پارٹی قائم کی جلسے عام میں راہل گاندھی نے حصہ لیے. متحدہ اضلاع کے قائدین و ریاستی صدر اتم کمار ریڈی کے ساتھ ضلع صدر طاہر بن ہمدان, اے آئی سی سی کے سیکرٹری مدھو یاشکی گوڑ, شبیر علی, سدرشن ریڈی وغیرہ نے حصہ لیے. تلنگانہ میں پہلا جلسے عام راہل گاندھی نے شروع کیے. ریاست میں اقتدار پر ہیں ٹی آر ایس پارٹی, ادھر مرکز میں بی جے پی پارٹی کو ٹارگٹ کرتے ہوئے اپنی خطاب میں چیف منسٹر کے سی آر پی ایم مودی پر الزامات لگائے. بے روزگار نوجوانوں کو سہارا دینے میں مکمل طور پر ناکام ہوئے ہیں, اس تیقنات کو مکمل نہیں کیے, دیے تیقنات کو بھی پورا نہیں کیے. دیے تیقنات کو پورا نہیں کر کے کانگریس پارٹی کی تائید میں رہ کر کامیاب کریں. تلنگانہ پر 2,00,000 کروڑ روپے کا قرض ہے, تلنگانہ کے ہر پریوار پر 2,60,000 روپے کا قرض ہے, اور آپ سب لوگ جو یہاں ہو تلنگانہ کے ہر ویکتی پہ 60,000 روپے کا قرضہ ہے. کسانوں کو پیسہ نہیں دیا جاتا, شکشا کے لیے پیسہ نہیں دیا جاتا, سواستھ کے لیے پیسہ نہیں دیا جاتا, مگر کے سی آر جی کے گھر کے لیے 300 کروڑ روپے دیا جا سکتا ہے.
उनके घर के लिए 300 करोड़ रुपए दिया जा सकता है, मगर निजामाबाद शुगर फैक्ट्री के लिए कुछ नहीं किया जा सकता है। आज भी वो फैक्ट्री बंद पड़ी है, और जब चीफ मिनिस्टर बने थे उन्होंने कहा था 100 दिन के अंदर फैक्ट्री खुल जाएगी। चीफ मिनिस्टर ने कहा था कि सेंटर पे दबाव डालकर वो टर्मरिक बोर्ड निजामाबाद में लाएंगे। 4 साल हो गए, क्या नरेंद्र मोदी पर आपके चीफ मिनिस्टर ने दबाव डालकर यहाँ टर्मरिक बोर्ड खुलवाया? अवाम को राहुल गांधी ने अपील की, गल्फ ममालिक में मौजूद तेलंगाना के अवाम को केसीआर धोखा दिए हैं। हम इख्तदार पर आते ही गल्फ ममालिक में 1 लाख सरकारी मुलाजिमतें फ्राहम करने का तयकुन दिए, किसानों को कर्ज मुआफ करेंगे, तेलंगाना के लिए जान की कुर्बानियां दिए, नौजवानों को तेलंगाना दिए, कांग्रेस पार्टी तायद में रहेगी, आने वाले दिनों में कांग्रेस ही बरसर इख्तदार पर रहेगी, इसका इकान जाहिर किए। डीसीसी सदर ताहिर बिन हमदान की क्यादत में बास अफराद कांग्रेस पार्टी में शरीक हो गए। मैं आपको झूठे वायदे करने नहीं आया हूँ, जो मैं स्टेज से कहता हूँ वो करके दिखाता हूँ। कर्नाटक झूठ सुनना है, झूठे वायदे सुनने हैं, तो केसीआर जी और नरेंद्र मोदी जी की मीटिंग में चले जाइए, कि यहाँ बहुत सारे लोग गल्फ में जाकर काम करते हैं, और जो गल्फ में रहते हैं उन्होंने तेलंगाना बनाने में मदद की, उनका भी हाथ था, तो उनका मैं धन्यवाद करता हूँ। और जो गल्फ में रहते हैं उनसे भी केसीआर जी ने धोखा किया, उनको भी कहा था कि 500 करोड़ रुपए उनकी मदद करने में देंगे और नहीं दिया, एक पैसा मदद नहीं की। और मैं यहाँ आपको आश्वासन देता हूँ कि जैसे ही कांग्रेस पार्टी की यहाँ सरकार आएगी हम आपकी मदद करेंगे। मोदी जी ने, केसीआर जी ने आपसे बहुत लंबे लंबे वायदे किए, 15 लाख रुपए हर बैंक अकाउंट में, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार, किसानों को सही दाम, लिस्ट की लिस्ट दी आपको उन्होंने। अब लेंगे छोटा सा वक्फा। समा ब्रॉडबैंड निजामाबाद में इंटरनेट की दुनिया का वाहिद और बेमिसाल ब्रॉडबैंड। 3 साल खिदमत के बाद समा ब्रॉडबैंड अपने 4वें साल में कामयाब अंदाज में दाखिल। आवाम में अपनी बेलोस और बेहतरीन खिदमत की वजह से बेहद मकबूल और पसंदीदा समा ब्रॉडबैंड दीगर इंटरनेट मार्केट से ज्यादा कम दाम और बिल्कुल आपके बजट में बेस्ट प्लान के साथ तेज और बेहतरीन खिदमत मुहैया करने वाला वाहिद मरकज समा ब्रॉडबैंड। किसी और इंटरनेट में इस तरह की खिदमत हासिल नहीं, दीगर इंटरनेट मार्केटों से कहीं ज्यादा सस्ते और तेज खिदमत का लुत्फ उठाएं। समा ब्रॉडबैंड में 5 Mbps स्पीड के साथ 40 GB डेटा लिमिट के लिए आपको महाना अदा करना होगा सिर्फ 399 रूपए, और 3 माह में अदा करें सिर्फ 1,050 रूपए। 6 माह के लिए बजट होगा सिर्फ और सिर्फ 1,999 रूपए। मुख्तस लिमिट के बाद 1 Mbps स्पीड के साथ लामहदूद डाटा की खिदमत का मजा उठाएं। 10 Mbps स्पीड के साथ 80 GB डाटा लिमिट के लिए महाना अदा करें सिर्फ 599 रूपए, 3 माह के लिए सिर्फ 1,650 रूपए, और 6 माह के लिए सिर्फ और सिर्फ 2,999 रूपए। लिमिट के बाद 1 Mbps रफ्तार के साथ लामहदूद डाटा खिदमत से लुत्फ अंदोज हो। 20 Mbps स्पीड के साथ 150 GB डाटा लिमिट के लिए महाना अदा करें सिर्फ 1,199 रूपए, 3 माह के लिए 3,299 रूपए, और 6 माह के लिए अदा करना होगा 5,999 रूपए। और डाटा लिमिट खत्म होने के बाद 2 Mbps रफ्तार के साथ अनलिमिटेड खिदमत से इस्तेफादा हासिल करें। समा ब्रॉडबैंड में पहली बार 6 माह प्लान की खिदमत लेने वाले अजीज ग्राहकों को 5 साल वारंटी वाईफाई रूटर मुफ्त दिया जाएगा। दिगर इंटरनेट मार्केटों से ज्यादा बेहतरीन और बेलोस खिदमत बजा लाने वाला आपका अपना पसंदीदा समा ब्रॉडबैंड। हमारा पता GTPL ऑफिस, जिला परिषद ऑफिस, सुभाष नगर, निजामाबाद। अब आरमोर शहर में भी समा ब्रॉडबैंड की बेमिसाल खिदमत दस्तियाब। पता समा ब्रॉडबैंड, महावीर स्टोर के अक्ल में, मामड़ीपल्ली एक्स रोड, आरमोर। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है। अब बढ़ते खबरों की तफसील की तरफ।
कामरेडी में हुए राजीव गांधी के जलसयाम में माइनॉरिटी रवाना हुए हैं कांग्रेस लीडर निसार हाशमी। शहर में मालापल्ली में कांग्रेस कायदीन इलियास की क्यादत में कामरेडी में हुए राहुल गांधी के जलसयाम में भारी तादाद में पहुंचे हैं। इसी सिलसिले में कांग्रेस कायद निसार हाशमी ने बताया कि राहुल गांधी के जलसयाम में कारों व बाइक से भारी तादाद में मालापल्ली से पहुंचे हैं। तो मालापल्ली और आटो नगर अहमदपुरा से 70 से 80 कार और बाइक रैली में आज कामरेड्डी यात्रा में जा रहे हैं और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि जो आज प्रोग्राम है हमारे राहुल गांधी साहब का कामरेड्डी में हजारों और लाखों की तादाद में कामयाब होगा और इंशाल्लाह हम पूरे कामयाब कर। इसी तरह सारंगपुर गांव से भी मंडल कांग्रेस माइनॉरिटी सदर अकबर की क्यादत में कामरेड्डी में हुए राहुल गांधी के जलसयाम में भारी तादाद में माइनॉरिटीज पहुंचे हैं। कामरेड्डी राहुल गांधी के जलसयाम में निजामाबाद से भारी तादाद में अवाम पहुंची, पॉलिटेक्निक मैदान से बस रवाना हुई। शहर में कंडेश्वर में वाकई पॉलिटेक्निक मैदान में कांग्रेस कायदीन की क्यादत में कामरेड्डी में हो रहे राहुल गांधी के जलसयाम में बसों का इंतजाम किए। शहर से रवाना हुई अवाम पॉलिटेक्निक ग्राउंड में जमा होकर कामरेड्डी रवाना हुई। इसी सिलसिले में कांग्रेस कायदीन ने बताया कि राहुल गांधी के जलसयाम में निजामाबाद से भारी अवाम रवाना हुए हैं। राहुल गांधी गारी प्रजा गर्जन यात्रक निजामाबाद अर्बन नराल रत्नाकर गारी ఆధ్వర్యంలో సుమారు 300 పైన ఫోర్ వీలర్స్ మేము ర్యాలీగా వెళ్తున్నాము। మైనార్టీస్ మెజారిటీస్ అందరూ కలిసి స్వచ్ఛందంగా 300 పైన బండ్లు మేము తీసుకొని ఇక్కడ నుంచి కామరెడ్డికి బయలుదేరుతాం। కాంగ్రెస్ పార్టీని ప్రతి ఒక్కరు గెలిపించాలని, టీఆర్ఎస్ను చిత్తశుద్ధితో ఓడించాలని, ఈరోజు రాహుల్ గాంధీ సభకు విజయవంతంతో విజయకీర్తనం ఎత్తించాలని, వచ్చే గవర్నమెంట్ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వమే పరిపాలన వస్తుందని మేము నమ్ముతూ ఈ సభను వెళ్తున్నాం। नौजवान के मौत के जिम्मेदार सेल टावर है, जिसकी वजह से अवाम धरना देकर रास्ता रोको करने का वाकया वर्नी चौरास्ते पर पेश आया है। तफसील कुछ इस तरह। शहर में वर्नी चौरास्ते पर वाकई सुनारों की कॉलोनी के पास एक खानगी इदारा सेल टावर तामीर किया। ये रेडियो स्टेशन टावर से गुज़िश्ता मुकामी अवाम हादसात का शिकार हुए हैं। कॉलोनी के अवाम ने इल्जाम लगाए फिल वक्त एक नौजवान फौत होने की वजह से भी सेल टावर जिम्मेदार है। अवाम ने इल्जाम लगाकर रास्ता रोको करते हुए धरना दिए। इसी सिलसिले में कॉलोनी के अवाम ने बताया कि ये टावर की वजह से बहुत सी मुश्किलात का शिकार हो रहे हैं, लिहाजा अहदेदार फौरन ये टावर को हटा दिए जाने का मुतालबा किए हैं। టవర్ ని తీయాలని ఆల్రెడీ కలెక్టర్ గారికి వింతి ప్రదానం చేశారు, ఓనర్ తోటి కూడా ఆమెకు చెప్పారు, అయితే అన్ని రకాల ఏవైతే రూల్స్ ఉన్నాయో అన్ని ఫాలో చేశారు। ఆ టవర్స్ తీయాలని మేము గవర్నమెంట్ వినిపిస్తున్నాము, ఇంతకుముందు మేము కాలనీ లెటర్ అదిగోలో పట్టించుకోలేదు, ఎవరు పట్టించుకోలేదు, ఇప్పుడు అందుకే పట్టించుకోకుండా మేమేం చేస్తాం అంటే ఈ ధర్నా గురించి అక్కడ గవర్నమెంట్ వారు వాళ్ళని కలు చేస్తానుకొని మేము ఇక్కడ ధర్నా చేస్తున్నాం। మేము धानली खोर वीआरओ की वजह से हुकूमत से आने के सरमाया इमदाद नहीं मिलने से नुकसान उठा रहे हैं। वर्नी मंडल तहसीलदार से किसानों ने शिकायत की। वर्नी मंडल पैडीमल रेवेन्यू के हुदूद में पैडीमल सिद्धापुर गुंटूर कैंप कोरलदास तांडा चिलका तांडा देहातों से ताल्लुक रखने वाले तकरीबन 40 किसानों के पट्टेदार पासबुक नहीं मिलने से फसल के सरमाया इमदाद से महरूम हो गए। गुज़िश्ता 4 माह से वीआरओ अशोक को कई बार बताने पर और हाथ गर्म करने यानी रिश्वत देने पर भी पासबुक नहीं दे रहे हैं। चंद किसानों के पास से वीआरओ रकम लेकर गैर कानूनी तौर पर पट्टा जात तब्दील किया है। वर्नी तहसीलदार से मुतासरी ने फरियाद की। गुज़िश्ता 4 माह से रोजाना ये देहातों से किसान तहसील ऑफिस आकर वीआरओ से मुलाकात करने पर भी किसानों के मसाइल की सुई नहीं हुई है।
इसका इल्जाम लगाए। गुज़िश्ता थे तहसीलदार का तबादला होने से नए आने वाले तहसीलदार नारायणा से किसानों ने फरियाद किए। ये वाकये में तहसीलदार एक हफ्ते में मसले की सुलह करने का तय खून दिए। माकलूर मंडल में मुलंगी गांव का रहने वाला दयासागर राव नामी शख्स जिंदगी से तंग आकर खुदकुशी को अंजाम दिया। एसपी साईनाथ ने बताया, माकलूर मंडल में मुलंगी गांव का रहने वाला दयासागर राव नामी शख्स जिस्म को आग लगाकर खुदकुशी कर लिया। एसपी साईनाथ ने बताया, वो मालिक भंडार में खानगी स्कूल में अटेंडर की मुलाजिमत करता था। बीवी बच्चे मैके जाने से दयासागर मुलंगी में अपनी माँ के पास रहने लगा था। माँ लक्ष्मी बासर में सरस्वती मंदिर जाने पर मकान में कोई मौजूद ना होने पर इस वक्त जिस्म को आग लगाने से शरीर झुलस गया। इलाज की गर्ज से जिले सरकारी दवाखाना मुंतकिल किए, जहां वो जेर इलाज रहते हुए फौत हो गया। मां की फरियाद के मुताबिक पुलिस केस दर्ज करके तहकीकात कर रही है। निजामाबाद जिले वोटर्स की ताजी फहरिस्त को जुमेरात के वक्त अहदेदारों ने इजरा किए। निजामाबाद अर्बन रूरल बालकोंडा बोधन आर्मूर हल्का असेंबली जात के वोटर फहरिस्त में दर्ज किए। इसी तरह उधर कामरेडी इधर निजामाबाद अजला के हदूद में मौजूद बांसवाड़ा हल्के असेंबली मुकम्मल तौर पर निजामाबाद जिले इलेक्शन रिटर्निंग ऑफिसर के हदूद में आता है। इसी वजह से बांसवाड़ा से ताल्लुक वोटर फहरिस्त में जिले अहदेदारों ने ऐलान किए। पुलिस शहीदियों की यादगार जलसियाम को पुलिस परेड ग्राउंड में इंतजाम मुकम्मल किए। इतवार के दिन निजामाबाद शहर में पुलिस परेड ग्राउंड में पुलिस शहीदियों की याद के जलसियाम मुनाकिद करने के लिए पुलिस तमाम इंतजाम मुकम्मल किए हैं। पहले सीपी कार्तिकिया की क्यादत में पुलिस शहीदियों के मीनार के पास खानदानी अरकान से मिलकर खिराज अकीदत पेश करेंगे। इसके बाद कई प्रोग्राम्स होंगे, पुलिस अहदेदारों ने बताया। इधर डिशपल्ली 7वीं बटालियन में भी शहीदियों के यादगार तकरीब के इंतजाम किए हैं। कमांडेंट सांबैया ने बताया, शहर में किशनगंज में प्याज के ताजरीन से मुसाफिरों को मुश्किल पेश आ रही है। मुकामी अवाम ने इल्जाम लगाया, ट्रैफिक अमला और म्यूनिसिपल अहदेदार और सड़क का मुआयना करने का मुतालबा किए। शहर में किशनगंज असल में तंग सड़क है, इसके साथ वहां मौजूद ताजरीन ये छोटे रास्ते पर प्याज के थैले डालकर मुसाफिरों को मुश्किल का शिकार कर रहे हैं। वहां मौजूद अवाम इस पर म्यूनिसिपल अहदेदार कार्रवाई करके ट्रैफिक की मुश्किल दूर करने का मुतालबा किए। पैदल जाने के लिए गंज के अंदर निकलने के लिए 1 से 2 घंटे लग जा रहे हैं, ये रोड से वो रोड पार करने के लिए। बच्चे छोटे छोटे हैं, स्कूलों को जाने कॉलेज को जाने वाले, इधर से जाने का रास्ता ही बंद हो जा रहा है। मेहरबानी करके आपके साहब को बोल के एस आई साहब से उनसे वालों से बोल के रास्ता साफ करो, लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है, तकलीफ के वास्ते आपको बोल रहे हैं। शहर में टीडीपी ऑफिस में एससीएसटी व तायद इदारों के कमेटियों का हंगामी इजलास मुनाकिद किए। टीडीपी के जिले पार्टी नायब सदर ने बताया, शहर में टीडीपी ऑफिस में एससीएसटी तायद संगम कमेटी का हंगामी इजलास मुनाकिद किए। इस प्रोग्राम में मेहमान खसूसी जिले पार्टी सदर बागरेड्डी हाजिर हुए और बताया कि टीडीपी हुकूमत के दौर में दलितों को सियासी तौर पर तायद किए हैं। बताया, मुकामी दारा जाती इंतखाबात में खवातीन को बीसी को सियासी रिजर्वेशन दिए ही। बताया, दलित संघाल गिरिजन संघाल मरी खचिता प्रति ग्राम जरूरी अन्यानी प्रति खंडा अवसर इवा प्रजल चेत एनक प्रभुत् प्रजा प्रतिनिधुन इवा इंटरव्यू इवे पैस्थि राष्ट्र जरूता मे प्रश्न। रोशनी टीवी का नया अंदाज छोटे से सफर में काबिले अदखवाल आपके लिए। अच्छा वक्त उसका होता है जो किसी का बुरा नहीं सोचता। जमाने का शिकवा ना करो,
بلکہ خود کو بدلو، کیونکہ پانی کو گندگی سے بچانے کا طریقہ جوتا پہننا ہے، نہ کہ سارے شہر میں قالین بچھانا۔ اچھے لوگوں کا آپ کی زندگی میں آنا آپ کی قسمت ہے، اور انہیں اپنی زندگی میں سنبھال کر رکھنا آپ کا ہنر۔ دوسروں کو نصیحت کے پھول دیتے وقت خود کو ان کی خوشبو لینا نہیں بھولنا چاہیے۔ انسان جب اندر سے ٹوٹ جائے تو کسی بھی ماحول سے خوش نہیں ہوتا، چاہے آس پاس بہت محبت اور احساس کرنے والے لوگ ہی کیوں نہ ہوں۔ آپ کا بڑا سرمایہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی غیر موجودگی میں اپنے رب سے دعاؤں میں آپ کے لیے خیر مانگتے ہیں۔ پیار کرنے والوں میں کچھ اور ہو نہ ہو، لیکن ایک بات ہوتی ہے، وہ بے ادب نہیں ہوتے۔ دل دکھاؤ کیسا بھی، بد دعا نہیں دیتے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ساتھ چھوڑ دینے کی دھمکیاں نہیں دیتے۔ جو لوگ آپ کے ہیں وہ ہر حال میں آپ کے ہی رہیں گے، جنہوں نے جانا ہوتا ہے وہ بے وجہ بھی چلے جاتے ہیں، اور جنہیں نبھانا ہوتا ہے وہ بے وجہ بھی نبھا لیتے ہیں۔ آخری زمانے میں جو چیز کم سے کم ملے گی وہ بھروسہ مند دوست اور حلال رزق ہوگا۔ اختتام سے قبل نظر ڈالتے ہیں آج کے اہم سرخیوں پر۔ آنے والے انتخابات میں ٹی آر ایس حکومت جھنڈا لہرائے گی، اربانے ملے بی گالا گنیش گپتا۔ چیف منسٹر غریبوں کی مدد کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں، ٹی آر ایس کے ملے امیدوار ویمولا پرشانت ریڈی۔ چیف منسٹر کے سی آر پیش کی اسکیمات پر راغب ہو کر ٹی آر ایس پارٹی میں بھاری تعداد میں شریک ہو رہے ہیں، رورل کے سابق ایم ایل اے باجی ریڈی گووردھن۔ آنے والے دنوں میں کانگریس پارٹی اقتدار پر آنے پر تمام طبقات کو ترقی دیں گے، اے آئی سی سی کے صدر راہل گاندھی۔ آج کے لیے فی الحال اتنا ہی، انشاءاللہ مزید خبروں کے ساتھ ہم پھر ملیں گے۔ دے اجازت، اللہ حافظ۔